हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टिचिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हाफ नेट पे डिजाइनर ब्लाउज बता रही थी, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजाइनर सीरीज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊँगी, और साथ में साइड हुक कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ देखिए, मैंने नेट के फैब्रिक को दो फोल्ड करके रख दिया है, और हमारी स्लीव्स की लेंथ है 5 इंच 1 इंच। मैंने एक्स्ट्रा लिया 6 इंच, तो उसका दुगुना हुआ 12 इंच। तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर लेना है, यानी 12-12 इंच लेना है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक और फोल्ड कर दिया है, फिर एक और फोल्ड कर देंगे, यानी टोटल आपके 8 फोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि साथ में दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ हो जाएगी। नहीं तो वैसे अगर आप बस 4 फोल्ड करेंगे तो बस एक ही स्लीव्स की कटिंग होगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी स्लीव्स की लेंथ है 6 इंच, तो मैं यहाँ 6 इंच पर ऐसे मार्किंग करते जाऊँगी चारों तरफ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं लेंथ। तो ये देखिए, मैं चारों तरफ से ऐसे मार्किंग करते जाऊंगी 6-6 इंच पे, और इसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, मैंने राउंड शेप दे दिया है, अब इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी चाहिए, उसमें 1 इंच और ऐड करके आप उसका दोगुना लेके फिर कपड़े को फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड करके, यानी टोटल आपके 8 फोल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है, अब हम इसे पूरा ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, और बीच में आपको जो सर्कल था पूरे उसको दो हिस्से में बांट देना है, यानी ऐसे फोल्ड करके निशान लगा के ऐसे दो हिस्से में इसे करके मार्किंग कर लेना है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से निशान लगा दिया है, इंची टेप से या फिर स्केल वगैरह से आप इसे निशान को सीधा कर लें अच्छे से दोनों तरफ से। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आर्म होल कितना है। तो यहाँ हमारी आर्म होल 8 इंच है, तो 8 इंच का दोगुना हुआ 16 इंच, तो 16 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 4 इंच। तो यहाँ मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, आपका जितना भी हो अपने अनुसार रख सकते हैं। और तो देखिए, मैं 4 इंच पे यहाँ निशान लगा रही हूँ, और फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा निशान आपको लगा देना है। आपका जितना भी आर्म होल हो उसका दोगुना रखिए, फिर उसका चौथा हिस्सा रखिए, चौथा हिस्सा रखने के बाद आपको 1 इंच और ऐड करना है। तो यहाँ देखिए, मेरा टोटल हुआ 5 इंच, यानी कि 4 इंच ये आर्म होल का चौथा हिस्सा हुआ, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब इसका टोटल आधा करना, यानी 5 इंच हुआ दोनों मिला के, तो इसका आधा हुआ 2.5 इंच। तो देखिए, मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम इसी निशान से 2.5-2.5 इंच पर एक सर्कल बनाते हुए निशान लगा देंगे। ये देखिए, जहाँ से मैंने हाफ किया था, यानी 5 इंच का आधा हुआ 2.5 इंच, तो वहीं 2.5 इंच के निशान से ही आपको चारों तरफ से सर्कल का निशान लगाते जाना है 2.5-2.5 इंच पर, यानी जितना आपका आर्म होल हो उसका आप 1 इंच ऐड करके और उसका हाफ करिए, फिर उसके बाद उसी निशान से जहाँ से आप हाफ किए हैं उसी निशान से जितना आ रहा है और उतना ही लेके आप इस निशान को राउंड शेप देते जाइए, सर यानी सर्कल आप बना दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने सर्कल बना लिया है। तो इस तरह से आपका एकदम परफेक्ट आर्म होल की देखिए। अब फिर इसे आप अच्छे से नाप ले सकते हैं कि आपका आर्म होल फिट बैठेगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए, मेरा टोटल 16 इंच आ जाएगा आराम से, आप ऐसे नाप भी सकते हैं। तो अब देखिए, ये मैंने सर्कल बना लिया है, अब हम इसे बीच से पकड़ के, ये देखिए ऐसे बीच से पकड़ के, और सेम जो सर्कल था उसे कट कर लेंगे। ये देखिए, तो आपको सबसे ध्यान देने वाली यही बात है कि जितना आपका आर्म होल हो उसका दोगुना करिए, फिर उसका चौथा हिस्सा निकालिए और उसकी मार्किंग करिए, और फिर इसमें 1 इंच और ऐड करके और उसका हाफ करके, और जितना हाफ आ रहा है उतना ही वही उसी निशान से सर्कल बनाते जाइए, और आपका आराम से आर्म होल की फिटिंग और फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है, फिर साइड में भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसान है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और अच्छे से अगर नहीं समझ जाएगा तो मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे से आपको बता दूंगी। तो ये देखिए, कितने अच्छे से हमारी कटिंग हो गई है, और इस पर पीको या आप इसे
सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पीको लगाऊंगी इस पे साइड कॉर्नर पे। तो ये देखिए ये लगाने के बाद कितना अच्छा लुक आएगा इसका। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है, आप इसे सूट में भी बनवा सकते हैं। ये बाजू रेडीमेड का है इसलिए और काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दोनों कटिंग हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट है, जो मैंने पार्ट वन में इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताई है, उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक भी दे दूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले हम कंधे को अटैच कर लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों तरफ से। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं भी मोटिवेट होंगी और अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए प्रेरित होंगी। और मेरे चैनल पर ज़रूर जाकर देखिए आप, मैंने बहुत सारे डिज़ाइन काफ़ी अच्छे अच्छे नेट के वो भी नए नए ट्रेंडी लुक वाला ब्लाउज मैंने स्टिच किया है और डाला है, आप उसे ज़रूर जाकर चेकआउट करें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने ज्वाइंट कर लिया है दोनों कंधे को दोनों तरफ से डबल डबल स्टिच लगा के। अब हम साइड ये तो ये देखिए अब हम इसे अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है, मैंने साइड से कॉर्नर पे यहाँ पीको कर दिया है, आप इसे स्टिच भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसे अटैच करेंगे, ये देखिए अब हम अटैच करेंगे अपने ब्लाउज में। तो यहाँ सबसे पहले आपको बीच में निशान लगा देना है स्लीव्स में, और निशान लगा के बीच से ही आपको ज्वाइंट करना है, और स्लीव्स लगाते हुए बीच से ही स्लीव्स की ज्वाइंट लगानी चाहिए क्योंकि दोनों साइड बराबर आते हैं और फिटिंग भी अच्छी आती है। तो इसलिए कभी भी स्लीव्स लगाएं बीच से स्टार्टिंग करें। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स की अटैच कर लिया है और दोनों साइड से भी अटैच करना है और डबल स्टिच लगाना है स्लीव्स पर दोनों साइड से। तो ये देखिए इसी तरह आप दूसरा स्लीव्स भी ज्वाइंट कर ले सेम इसी तरह। तो देखिए कितना परफेक्ट, जितना मेजरमेंट लेना था एकदम परफेक्ट आया है उसी के अनुसार। अब हम देखिए साइड में इसे अटैच कर लेंगे साइड से भी नाप लेके। तो यहाँ चेस्ट है 38 इंच, तो 38 इंच का चौथा हुआ 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। बीच से ही निशान आपको लगाना है और कमर के लिए निशान लगा के इसे हम अटैच करें। तो यहाँ हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट होती है, आर्म होल कितना अच्छा अटैच हुआ है। तो अब यहाँ देखिए दूसरे साइड से भी मैं आपको हुक लगाना बताऊंगी। तो यहाँ भी मैं 9.5 इंच पर निशान लगा के और कमर के लिए भी 8 इंच पर निशान लगा के इस निशान को आपको मार्क कर लेना है अच्छे से। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि साइड में हुक कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको ऊपर से निशान लगा लेना है 3 या 2.5 इंच पर। तो यहाँ मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ आर्म होल की तरफ से, आर्म होल के वहीं से ज्वाइंट से ही आपको निशान लगाना है। तो यहाँ मैं 3 इंच पर निशान लगा के जो आपका फिटिंग वाला मार्क है उसे आप नीचे के तरफ से भी मार्क कर लें, यानी जो सीधा जो है हमारा उसे भी पलट के सीधा कर लें और दोनों तरफ निशान लगा लें आप अच्छे से। अब यहाँ देखिए जहाँ मैं 3 इंच पर निशान लगाई थी उसे आप वहीं से आपको स्टिच लगा देना है, बस उतना छोड़ के नीचे जहाँ से 3 इंच का निशान लगाए हैं वहीं से स्टार्ट करके आर्म होल तक निशान लगा देना है पूरा स्लीव्स तक स्लीव्स के लिए। यहाँ देखिए मैंने डबल स्टिच लगाया है। अब देखिए अब हम हुक आई पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हुक की पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए इसको ऐसे फोल्ड करना है, जहाँ फिटिंग थी आपकी वहीं से मोड़ के आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए आपको सेम वहीं से सिलाई लगा देनी है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, आप इसे अच्छी फिनिशिंग के साथ इसे सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है, सेम इसी तरह आप भी सिलाई लगा दें। अब जो दूसरा साइड है इसे जहाँ से फिटिंग की हमने मार्क की थी वहाँ से इसको वहाँ तक ही उसको फोल्ड करना है, यानी वहाँ से आपको मोड़ना नहीं है, वहाँ तक ही आपको बस फोल्ड करना है, यानी बस एक ही फोल्ड करना है आपको। जैसे वहाँ फिटिंग उस साइड में आपने पूरा फिटिंग से मोड़ के आपने फिटिंग किया था, लेकिन इसमें
आपको बस एक फोल्ड करना है, यानी जहाँ तक आपका मार्क की थी फिटिंग की, बस वहीं तक ही फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरती के साथ एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये स्टिच लगा है, ये देखिए। तो जो नीचे वाली होगी वो आई पट्टी होगी और ऊपर वाली हुक की पट्टी होगी। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक एकदम फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, इसी आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा लुक आया है ब्लाउज का, और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लाइक करेंगे तभी मैं मोटिवेट होंगी और सारे वीडियो डालने के लिए नए नए डिज़ाइंस के साथ। और मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, मैंने बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल के डिज़ाइन डाले हैं, उसे जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं।